आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल इमरान खान के खिलाफ अब पाकिस्तान की जनता में आक्रोश है। महंगाई का दंश झेल रही पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है और अब देश में कई तरीकों से इमरान खान का विरोध भी शुरू हो गया है। कमजोर पड़ चुके इमरान के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में प्रमुख दक्षिण पंथी धार्मिक पार्टी ने इमरान खान सरकार को हटाने के लिए 27 अक्टूबर से आजादी मार्च का ऐलान किया है। पार्टी ने देश में आर्थिक संकट के लिए इमरान सरकार को दोषी ठहराया है। कंगाली की मार से परेशान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की महंगाई ने लोगों का हाल और बुरा कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में साल दर साल के हिसाब से महंगाई दर बढ़कर 11.4% हो गई है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के हवाले से जानकारी दी गई है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पाकिस्तान में महंगाई 0.77% बढ़ी है। इसे दुनिया से छिपाने के लिए इमरान सरकार नए हथकंडे अपना रही है। बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। नए बेस ईयर के आधार पर सितंबर माह में महंगाई 11.37% रही है। पिछले माह ये 10.49% रही थी। पाकिस्तानी सांख्यिकी विभाग ने बेस ईयर को 2008 से बदलकर 2016 कर दिया है। एक माह पहले पाकिस्तान में महंगाई दर बेस ईयर 2008 के आधार पर ही तय किया जाता था। द डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराने बेस ईयर के हिसाब से देखें तो सितंबर माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई दर 12.55% होती। और इतना ही नहीं, अब तो कारोबारियों ने भी इमरान खान से उम्मीदें छोड़ते हुए सेना की शरण में जाना बेहतर समझ रहे हैं। ये तस्वीर इमरान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इमरान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों के साथ आर्थिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। आर्मी चीफ का व्यापारियों से मिलना पाकिस्तान में बन रहे सियासी संकट की ओर इशारा कर रहा है। अब तक जो खेल पाकिस्तान की आर्मी पीछे से खेलती थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में फौज के एक बार फिर सत्ता में काबिज होने की अटकलें लग रही है। बाजवा का कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ चुका है और वैसे भी तख्ता पलट का पाकिस्तान में इतिहास बहुत पुराना है। इमरान खान ने अपने देश को संकट से निकालने की भरपूर कोशिश की, हालांकि वो पूरी तरह से नाकाम रहे। जनता दो वक्त की रोटी को तरस गई, लेकिन इमरान खान अब भी लगे हैं कश्मीर राग अलापने में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।